नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में अभी तक हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं और जो चीजें आपने रिवाइज करने के लिए भी कही थी वो चीजें हम यहाँ पर रिवाइज भी कर चुके हैं। आज हम विशेषण, देखिए संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम रिवाइज कर चुके हैं, अब हम विशेषण जो हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो विशेषण होता क्या है, देखिए विशेषण जो होता है, विशेषण का अर्थ होता है कि विशेषता बताना, किसी चीज की विशेषता बताना। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या होती है, अब विशेषण पढ़ने से पहले आपको संज्ञा पढ़नी पड़ेगी और सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा। तो संज्ञा आप सभी को पता है क्या होती है, हमने यहाँ पर कई बार डिस्कस भी किया है अपने संज्ञा टॉपिक को, और अगर आप रिवाइज करने के लिए फिर से कहेंगे संज्ञा को उसके भेदों के साथ तो रिवाइज भी कर दिया जाएगा। सर्वनाम टॉपिक हम लास्ट कुछ सेशंस पहले ही अपना कंप्लीट यहाँ पर हमने किया है। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा होती है कि किसी भी चीज का नाम, ठीक है, नेमिंग वर्ड, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, भाव का नाम हो, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्लियर हो गई। अब देखिए संज्ञा के कुछ भेद भी हैं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, कुछ आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपका कि जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, स्थान विशेष का नाम लेकर, प्राणी विशेष का नाम लेकर जब हम बुलाते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आपका फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी का नाम नहीं लेते बल्कि उसकी जाति का हम बोध कराते। जैसे हम कहते अध्यापक, तो किसी भी स्पेसिफिक अध्यापक का आपने नाम नहीं लिया, आपने कहा अध्यापक, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें आते हैं, आपके दो तरह की चीजें इसमें आती हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा आती है और दूसरा आपका आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सब आपके आते हैं जातिवाचक के अंतर्गत। उसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो भाव प्रकट जिसमें किया जाता है संज्ञा शब्द में, उसको आप भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे अपना, अपनापन, ठीक है, अपना और अपनापन क्या है, अपनापन क्या है, भाव, पराया, परायापन, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि पूरा यहाँ पर हमने परिभाषा भी क्लियर की थी, सारे भेदों को क्लियर किया था, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा अपनी कॉपी में, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, आप, उसका, वे, ठीक है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब इन सब की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब वो विशेषता किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, विशेषता आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, बिल्कुल नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ लिखते रहेंगे। देखिए जो आपका यहाँ पर विशेषण है, विशेषण में सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर बताती हूँ, विशेषण जो है वो कह रहा है हिमालय ऊंचा पर्वत है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। और इस तरह से यहाँ पर समुद्र विशाल है, जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है, विशाल है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरह से यह किताब अच्छी है, यह किताब कैसी है, अच्छी है। तो ये सारे देखिए हमने यहाँ पर दो तीन चीजें पढ़ी, जैसे हमने कहा
ये हमने पढ़ा तो इसमें ऊंचा, विशाल, अच्छा, अच्छी आदि शब्द जो है वो क्या है, हिमालय के, समुद्र के व किताब की विशेषता को बता रहे हैं। यानी कि जब हम कह रहे हैं कि हिमालय कैसा है, ऊंचा पर्वत है, हिमालय कैसा है, ऊंचा पर्वत है, तो ये क्या कर रहा है, हिमालय की विशेषता को बता रहा है। कौन सा शब्द, ऊंचा शब्द, जो ऊंचा शब्द है ये हिमालय की विशेषता को बता रहा है। इसी तरह से विशाल है, समुद्र बहुत विशाल है, ठीक है, यह किताब बहुत अच्छी है, ये सारे शब्द यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये नोट डाउन कीजिए सभी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप विशेषण लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा लिखकर इस पंक्ति को नोट डाउन करेंगे। इस तरह से लिखेंगे, परिभाषा, इस तरह से लिखेंगे परिभाषा, और उसके बाद लिखेंगे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। और एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे हिमालय ऊंचा पर्वत है, समुद्र बहुत विशाल है, यह किताब अच्छी है, ठीक है, इसे आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए देखिए, हमने यहां पर, मैंने आपको बताया कि विशेषण हम संज्ञा या सर्वनाम का बताते हैं, विशेषता हम संज्ञा या सर्वनाम की बताते हैं। तो ये विशेषता किसी भी तरह की हो सकती है, ये विशेषता किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि आपको संख्या भी बता सकती है, आपको मात्रा भी बता सकती है, आपको रंग भी बता सकती है, आपको आकार भी बता सकती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर विशेषणों के प्रकार, यानी कि विशेषणों के भेद आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो कौन कौन से विशेषणों के भेद हैं, जरा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, विशेषण के भेद। तो सबसे पहला आपका भेद है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण। और जो भी देखिए आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब देखिए कुछ यहाँ पर पंक्तियां लिखेंगे, गांधी जी सत्याग्रही थे, गांधी जी सत्याग्रही थे। चलिए हेडिंग डालेंगे बिल्कुल, और इसी तरह से लिखना शुरू करेंगे, गांधी जी सत्याग्रही थे। उसके बाद आम मीठा है, आम मीठा है, गांधी जी सत्याग्रही थे, आम मीठा है, या सेब लाल है, सेब लाल, पूरा लिख सकते हैं, सेब लाल रंग का होता है, सेब कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है ना, सेब कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो यहां पर हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, गांधी जी सत्याग्रही थे, आम मीठा है, सेब लाल रंग का होता है, या और भी बहुत सारी चीजें इसके आगे यहां पर हम बताएंगे आपको, घोड़ा काले रंग का है, जो घोड़ा है वो किस रंग का है, काले रंग का है, ठीक है। उसके बाद गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, पहले हमने कहा घोड़ा काले रंग का है, उसके बाद हमने यहाँ पर गंगा नदी दिखाई, हमने कहा गंगा पवित्र नदी है, ठीक है, घोड़ा काले रंग का है और गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमने चार चीजें अभी तक आपको बता दी, क्या कहा, गांधी जी सत्याग्रही है, और आम मीठा है, घोड़ा काले रंग का है, और गंगा पवित्र नदी है, इसके आधार पे,
इसके आधार पे हमने यहाँ पर क्या चीजें बताई कि जो भी हमने यहाँ पर अभी तक आपको शब्द बताए थे, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि गांधी जी सत्याग्रही है और आम मीठा है, घोड़ा काले रंग का है और गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को रेखांकित किया था। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों के गुण, रंग, स्वाद आदि का बोध करा रहे हैं। ये क्या करा रहे हैं, संज्ञा शब्दों का। गांधी जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, घोड़ा क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसी तरह से आम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि संज्ञा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों के गुणों को बता रहे हैं। गांधी जी सत्यवादी है या सत्याग्रही है। आम के लिए, घोड़े के लिए बता रहे हैं कि घोड़ा काले रंग का है, और आम के लिए बता रहे हैं कि उसका स्वाद कैसा है, मीठा है। तो इस तरह से गुण, रंग, स्वाद आदि का बोध करा रहे हैं, जो कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु अर्थात जो संज्ञा के गुण, रूप, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। गुणवाचक संज्ञा आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आप हेडिंग डालेंगे इस तरह से, गुणवाचक विशेषण, और उसके बाद आप ये एग्जाम्पल्स जो हमने बताए हैं वो आप लिखेंगे। और फिर जैसे हमने कहा गांधी जी सत्याग्रही थे, तो सत्याग्रही जो शब्द था उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ था। फिर हमने कहा आम मीठा है, तो मीठा शब्द हमने अंडरलाइन किया हुआ था। उसके बाद हमने कहा घोड़ा काले रंग का है, तो काले शब्द को अंडरलाइन किया हुआ था। गंगा पवित्र नदी है, पवित्र शब्द को अंडरलाइन किया गया था। तो जो भी ये रेखांकित शब्द है वो शब्द हमें क्या करा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रूप का, उसके गुणों का, उसके आकार का, उसके रंग का, उसके स्वाद का बोध करा रहे हैं, और इसीलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहा है। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ गुणवाचक विशेषण, हैंड रेस कर देंगे बस, अगर क्लियर हो जाती है चीजें तो हैंड रेस कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नोट डाउन भी करते रहेंगे सभी बच्चे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए हमने गुणवाचक विशेषण को क्लियर किया, अब हम बढ़ते हैं आगे। परिमाणवाचक विशेषण, अब हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण, देखिए हमने यहाँ पर एक रस्सी का चित्र अभी अभी आपको दिखाया, हमने कहा परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में अभी आपने यहाँ पर देखा एक रस्सी का चित्र हमने देखा, तो रस, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का क्या अर्थ होता है, मात्रा। उसके नीचे लिख लीजिए परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा वाला मात्रा नहीं, परिमाण यानी कि क्वांटिटी, ठीक है ना, कि ये कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी को बताता है परिमाणवाचक। तो ये दूसरा भेद है विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हमने परिमाण का अर्थ आपको बताया मात्रा, परिमाण का क्या अर्थ बताया, मात्रा। तो ये एक रस्सी यहाँ पर दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, रस्सी दिख रही है।
तो रस्सी को हम किसमें काउंट करते हैं, किससे नापते हैं रस्सी को? रस्सी को किससे नापते हैं? मीटर से। तो यहां पर 4 मीटर रस्सी, 4 मीटर रस्सी, ठीक है, 4 मीटर रस्सी। तो ये रस्सी के परिमाण को बता रहा है कि रस्सी कितनी मात्रा में है। रस्सी है तो उसको हम कैसे नापेंगे? हम उसको मीटर में नापेंगे। कोई भी चीज ऐसे नापते हैं ना, मीटर ऐसे, जो आपका स्केल होता है या आपका जो जिससे हम नाप लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, इसको मीटर में नापते हैं रस्सी को। तो 4 मीटर रस्सी। उसके बाद 1 किलो चावल, 1 किलो चावल। चावल को किसमें तोलते हैं हम? चावल को किसमें तोलते हैं हम? किलो में, केजी में। तो 1 किलो चावल, 1 किलो चावल। तो देखिए 1 किलो, ये क्या बता रहा है? चावल की मात्रा बता रहा है कि चावल कितनी क्वांटिटी में है। क्वालिटी नहीं बता रहा है यहाँ पे, गुण नहीं बता रहा है कि चावल कैसा है। गुणवाचक विशेषण नहीं है ये, ये है आपका 1 किलो चावल, यानी कि चावल की मात्रा कितनी है? 1 किलो, ठीक है ना। चावल की कितनी मात्रा है? 1 किलो। परिमाण यानी कि मात्रा, तो चावल की क्वांटिटी यहाँ पर है 1 किलो, 1 केजी, ठीक है। तो ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। थोड़ा तेल बहुत पानी, थोड़ा तेल बहुत पानी। अभी मैंने कहा परिमाणवाचक मात्रा बता रहा है, ठीक है। अब शुरुआत में तो आपने बता दिया 4 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल। क्लियर हो गया अब यहाँ पर आपको कि रस्सी 4 मीटर है और जो चावल है वो 1 किलो है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए थोड़ा तेल, ठीक है, यूज करते हैं ना आप इसको भी चीजों के लिए, थोड़ा तेल या बहुत पानी कहते हैं ना, बहुत पानी था वहां पर, तो बहुत सारा पानी था, तो ये भी आपका परिमाण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन क्योंकि ये परिमाणवाचक विशेषण दो तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक तो हमें फिक्स क्वांटिटी पता चल रही है और दूसरी हमें फिक्स क्वांटिटी पता नहीं चल रही है। आप देखिए एक में आपको क्या पता चल रहा है, फिक्स क्वांटिटी पता चल रही है कि हाँ रस्सी 4 मीटर है, चावल 1 किलो है। लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स क्वांटिटी पता नहीं चल रही है। पता चल रही है आप समुद्र को नाप सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा बहुत सारा पानी और हमने कहा थोड़ा सा तेल, थोड़ा तेल बहुत पानी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो शब्द अंडरलाइन किए जा रहे हैं उन्हें देखते जाइए। जैसे हमने 4 मीटर को अंडरलाइन किया था और 1 किलो को अंडरलाइन किया था, यहाँ हमने थोड़ा शब्द को अंडरलाइन किया है, उसके बाद हमने बहुत शब्द को अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक में हमें दो तरह से यहाँ पर मात्रा पता चल रही है, क्वांटिटी दो तरह से हमें यहाँ पर पता चल रही है। जैसे आगे देखिए, रेखांकित शब्दों में नाप तोल या परिमाण का बोध हमें करा रहे हैं। जो भी हमने रेखांकित शब्द यहाँ पर बताए ये नाप तोल या परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो अब क्या परिभाषा होगी परिमाणवाचक विशेषण की? क्या परिभाषा होगी परिमाणवाचक विशेषण की? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द नाप तोल या परिमाण का बोध कराते हैं। अतः जो शब्द किसी भी वस्तु की माप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वस्तु की नाप तोल, नाप तोल यानी कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ठीक है, अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए ये नोट डाउन कीजिए, पहले तो सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण को नोट डाउन करेंगे और जब नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज कर दीजिएगा।
इस तरह से हाथ खड़ा कर दीजिए, जब नोट डाउन हो जाता है कर लेते हैं आप लोग, तो तब हम आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। और जिन बच्चों का हो गया है वो आपस में यस वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो दूसरे बच्चों से देखकर आपस में लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने परिमाण वाचक विशेषण तो बता दिया, तो हमने कहा कि एक जगह आपको मात्रा बिल्कुल क्लियर हो रही है जहां पर 4 मीटर रस्सी और 1 किलो चावल है, और एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा तेल और बहुत सा पानी। तो इसी के आधार पर, यानी कि आपको जहां पर क्लियर नहीं हो रही है मात्राएं और जहां पर क्लियर हो रही है, उसके आधार पर हमने विशेषण के दो भेद बताए हैं। विशेषण के दो भेद हमने बताए हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि परिमाण वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाण वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, कौन कौन से दो भेद होते हैं आगे देखते हैं। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, कैसे हमें यहाँ पर पता चला निश्चित परिमाण वाचक विशेषण? देखिए, 4 मीटर रस्सी, 4 मीटर रस्सी, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल निश्चित है कि रस्सी कितनी है, 4 मीटर की है, ठीक है। तो 4 मीटर जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो यह है निश्चित परिमाण वाचक, यानी कि इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या है, निश्चित है। मात्रा क्या है, निश्चित है, 4 मीटर रस्सी। और देखिए, अभी हमने कहा थोड़ा सा तेल बहुत सा पानी, लेकिन हम यहाँ पर ना तो थोड़ा सा तेल ना तो बहुत सा पानी, यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 लीटर दूध। क्लियरली बिल्कुल निश्चित मात्रा हमें यहाँ पर बताई गई है, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। तो जहां पर आपको किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है, यानी कि क्वांटिटी होती है, वो निश्चित रूप से क्लियर होती है, यानी कि मात्रा क्लियर होती है, आपको साफ साफ बताई जाती है, उसको आप कहते हैं निश्चित परिमाण वाचक, ठीक है। फटाफट ये जो यहाँ पर पंक्तियां, जो वाक्य हम लिख रहे हैं, उन्हें नोट डाउन कीजिए और साथ ही इस तरह से अंडरलाइन कीजिए। और उसके बाद देखिए आप कुछ और एग्जांपल। 5 किलो चीनी 1 बाल्टी पानी, 5 किलो चीनी 1 बाल्टी पानी। 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताए, हमने यहाँ पर बताया 4 मीटर रस्सी, 1 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 1 बाल्टी पानी। अब देखिए, बाल्टी का पानी भले ही हमने लीटर्स में ना नापा हो, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी क्वांटिटी पता है। अगर आप किसी को बताते हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं 1 बाल्टी पानी, यानी कि आपको मात्रा पता है। अब जितना उस बाल्टी का, एक तरह से जितने लीटर की वो बाल्टी होगी, यानी कि पानी उतना होगा, तो मात्रा एक तरह से बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कुछ या थोड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के। विशेषता बता रहा है किसी चीज की, लेकिन किस तरह की विशेषता बता रहा है, उसकी मात्रात्मक या नाप तोल से संबंधित विशेषता बता रहा है, और फिक्स विशेषता को बता रहा है, यानी कि निश्चित परिमाण वाचक विशेषण ये है, ठीक है। तो 5 किलो चीनी 1 बाल्टी पानी, देखिए अंडरलाइन जो शब्द किए गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहां पर आपने क्या देखा, उपरोक्त उदाहरणों में 4 मीटर, 1 लीटर, 5 किलो और जो हमने अगला यहाँ पर शब्द प्रयोग किया था 1 बाल्टी पानी, ये क्या था, कपड़ा दूध आदि संज्ञाओं का निश्चित परिमाण, यानी कि निश्चित मात्रा, चीनी की निश्चित मात्रा, रस्सी की निश्चित मात्रा, दूध की निश्चित मात्रा, पानी की निश्चित मात्रा को यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या परिभाषा बनती है हमारी निश्चित परिमाण वाचक की,
परिमाण वाचक जो आपका विशेषण है उसके नीचे आप लिखेंगे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो क्या परिभाषा होगी? देखिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करेंगे अगर समझ में आ रहा हो तो, इस तरह से हाथ खड़ा करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहां पर कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। मैम एक बार फिर से बता दीजिए आपने क्या क्या बताया, ठीक है ना? डाउट जहां पर होता है तो ऐसे चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। ये नहीं कि आपने बस कॉपी में नोट डाउन किया और बस खत्म क्लास। जो चीज समझ में नहीं आती है उसे पूछिए, और भी एग्जांपल्स उसमें आप बताइए खुद से, ठीक है? चलिए, नोट डाउन कर लिया सभी ने? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है, या वे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। वो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने यहाँ पर दूसरी चीज पढ़ी थी वो थी कुछ और थोड़ा, कुछ और थोड़ा। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या चीज पढ़ी थी? अनिश्चित परिमाण वाचक में कुछ सब्जियां, फिर से थोड़ा दूध या बहुत पानी। देखिए, अंडरलाइन किए हुए शब्दों को ध्यान देंगे, कुछ सब्जी, थोड़ा दूध, बहुत पानी। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित यानी कि जहां पर मात्रा निश्चित नहीं है, नाप तोल निश्चित नहीं है, तोला नहीं गया है सब्जी को कि कितने किलो सब्जी है, यहाँ पर दूध को लीटर में मापा नहीं गया है, नापा नहीं गया है, ठीक है, समुद्र को हम नहीं नाप सकते। तो देखिए, कुछ सब्जी, थोड़ा दूध, बहुत पानी, ठीक है। तो ये आपके अनिश्चित परिमाण वाचक के कुछ एग्जाम्पल है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपरोक्त वाक्यों में, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर वाक्य पढ़े, कौन कौन से वाक्य पढ़े हमने? कुछ सब्जी, थोड़ा दूध, बहुत पानी। कुछ सब्जी, थोड़ा दूध, बहुत पानी। तो इनमें हमने कुछ, थोड़ा, बहुत, इन शब्दों को हमने अंडरलाइन किया था। यानी कि ये शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा, यानी कि वस्तु की जो निश्चित मात्रा है उसका बोध नहीं कराते हैं। यानी कि हमें नहीं पता चल रहा है कि सब्जी है लेकिन ये कितने केजी है, कितने किलो सब्जी है, दूध है ये कितना लीटर है, पानी है ये कितना लीटर है। तो हमें निश्चित मात्रा का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है, निश्चित मात्रा हमें क्लियर नहीं हो रही है इन वाक्यों के द्वारा। तो अब देखिए किसे कहते हैं अनिश्चित परिमाण वाचक। आप इस तरह से हेडिंग डालकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा नाप तोल का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि उससे क्या होता है, निश्चित मात्रा और नाप तोल का बोध नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो मात्रा है वो भी निश्चित नहीं है, आज का जो परिमाण है वो भी निश्चित नहीं है, तो इसीलिए उसको अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण
कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। नोट डाउन कर रहे हैं सभी बच्चे, नोट डाउन करते रहेंगे। अनिश्चित परिमाण वाचक, यानी कि अभी तक हमने विशेषण के दो भेद पढ़े हैं। पहला विशेषण पढ़ा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा विशेषण पढ़ा है परिमाण वाचक विशेषण। और परिमाण वाचक विशेषण के हमने दो भेद यहाँ पर बताए, निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि क्या होते हैं संख्यावाचक विशेषण, किसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए अभी तक आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, रंग, आकार, ठीक है, इसका जो हमें बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक में वस्तु की नापतोल या एक तरह से मात्रा का बोध होता है। परिमाणवाचक में दो तरह से की चीजें होती है, यानी कि एक जगह हमें मात्रा स्पष्ट होती है, एक जगह हमें मात्रा स्पष्ट नहीं होती है, तो इसीलिए इसे दो भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो आपका यहाँ पर है, इसको नाम से ही क्लियर हो रहा है, संख्यावाचक। संख्या यानी कि नंबर्स, संख्या यानी कि नंबर्स, वाचक यानी कि बताने वाला, यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की संख्या बताने वाला। जैसे मेरे पास 5 पेंसिल हैं, मेरे पास 5 पेंसिल हैं, 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो देखिए 5 और 3 ये क्या है, संख्या है। तो ये क्या बता रहा है, व्यक्ति या वस्तु की संख्या। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेदों को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दो भेद बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, तो घर पर जाइए और इन दोनों भेदों को बिल्कुल अच्छे से घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। बाकी के भेदों को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।